हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के चलाए पोर्टलों में गड़बड़ झाला और घोटाला नहीं है तो वो इन पोर्टलों के नाम पर विधानसभा चुनाव में वोट मांग कर दिखाए। हर काम को पोर्टल के भरोसे छोड़ने वाली भाजपा चुनाव में वोट भी पोर्टल पर मांग ले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि भाजपा ने हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य बना दिया है। जो सरकार जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती, जनता ऐसी सरकार को वोट भी नहीं दे सकती। इसलिए इस बार चुनाव में भाजपा का सफाया तय है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर हरियाणा को फिर से देश का सबसे विकसित और सुरक्षित राज्य बनाया जाएगा। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास सोहलियान की रिपोर्ट। आपने कहा कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए करेंगे, बीजेपी कह रही है कहाँ से करेंगे इतना बजट? वो ये और कह रहे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 8500 रुपए प्रति महीना की बात कर रही थी खटाखट खटाखट की, वो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके घर पे कांग्रेस के पास। सरकार उनके खटाखट खटाखट दे दिए 6000 खटाखट 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 आएंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमले बहुत बढ़ गए हैं और सेना पर कई हमारे जवान भी शहीद हुए, जिनका भी जवान शहीद हुआ। प्रदीप बड़ा ये निर्णय है और गंभीरता का विषय है कि क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, तो क्या करेंगे? लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 3370 हम खत्म कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा जम्मू कश्मीर। अभी जब मैं ज्यादा विचार कर रहे हैं तो धरे ही क्यों बढ़ रहे हैं? तो ईद के बाद जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों का दावा करती है सर? भारी बहुमत से जीते हैं। सर नायब सिंह सैनी रोहतक आए थे और जिस तरह से भर्तियां अदालतों द्वारा रोक लगाई जा रही है या उनको खारिज किया जा रहा है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भर्तियों के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। भर्ती रोको कहेंगे ऐसी काम छोड़ते हैं, कमियाँ छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकार की है ना, क्योंकि ये जो कौशल रोजगार निगम लगा रखा ना, इन्होंने ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, ठेकेदारी को नौकरी दे रही है। हमने ठेका सिस्टम बंद करा, ये सरकार ठेका बंद रही है, मतलब एक साल के लिए देंगे नौकरी पे, दो महीने की तनख्वाह पहले रिश्वत में ले लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एम पी पकड़ा गया वहाँ का आम आदमी कह रहा है, जिस तरह प्रॉपर्टी आई डी में भ्रष्टाचार में फैला है, तो भ्रष्टाचार की जमीन है। कांग्रेस सरकार आपकी ये सारी बात होगी क्योंकि फैमिली आई डी को लेकर लोग परेशान है, प्रॉपर्टी आई डी को लेकर पोर्टल जो है, मैं तो पोर्टल खराब नहीं हूँ, लेकिन पोर्टल वही इस्तेमाल होगा जो जनहित में होगा। जैसे हमने किया था डिजिटाइजेशन, बिजली के बिल बनने का, प्रॉपर्टी आई डी का ये सब जो है लोगों पर शाम कर रहे हैं, हम उसको ठीक करेंगे वो करेंगे। अगर लोग मुठ लिए भ्रष्टाचार मतलब है तो हुई, अब क्या ठीक करेंगे? तो जो भी पोर्टल होंगे उनको, उनका तो काम ही था, कोई समस्या विधानसभा उठाते तो मुख्यमंत्री फिर जाते पोर्टल बना रहे हैं। भाई पोर्टल बना रहे हो तो पोर्टल पे वोट मांग लो, लोग कह देंगे अब जाएगा ना, ये लोग कहते हैं पोर्टल बना रहे हैं। भाई जिस कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया था उनको तो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लेकिन वो सर्वे ही उनका ये काम वही है, मतलब तो सिर्फ नाम नाम बदले। सर हरियाणा का अड्डा है वो, हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ और राष्ट्रीय स्तर की बात की, उस टाइम की जरूरत नहीं थी, हरियाणा कोई लोग नहीं, बाकी गठबंधन की कोई बात नहीं है।
राष्ट्रीय स्तर पर जरूर कुछ पार्टियों ने गठबंधन, अभी हरियाणा में किसी पार्टी का गठबंधन नहीं है। सर हरियाणा में उच्च शिक्षा की बात करें तो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सरकार कह रही है ग्रांट नहीं देंगे, सिर्फ लोन पे अब यूनिवर्सिटियां चलेंगी। यूनिवर्सिटियां अब सरकार ये कह रही है कि लोन पे चलेंगी, लोन लें, ग्रांट जो देती थी सरकार वो बंद कर दी जा रही है। स्कूल पास स्कूल बंद कर दिए, आप जब जो है ना अगर कहीं जाओ तो अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, ये परिस्थिति हो रही है। सर कल विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जो है, विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा कल वो तक आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटबाजी है और पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समुद्र पार्टी है, जब ऐसा है ये भाषाएं जैसे बौखलाहट की भाषाएं होती है ना, तो जैसे बिल्ली होता है ना, तो ये सियानी बिल्ली खम्भा ही रचा करते हैं, ये बातें उनको तो है बौखलाहट की भाषाएं हैं। बात तो असली तो यह है, गुरु चेला सरकार चला रहे हैं, बदली दिल्ली से हो रही है, उनकी इतनी क्षमता नहीं है, सबको मालूम इस बात पर कौन क्या कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे विधानसभा, क्या नए चेहरों को भी मौका मिलेगा या पुराने चेहरों को मिलेगा मौका? तेरा दिल करता है तो पूरी शक्ति चलना देगी तो खाए मरने चलना है फार्म के साथ पैसे ही भरने पड़ेंगे, वो रिफंडेबल नहीं है। कैसे रिफंडेबल नहीं है, कैसे तीस तारीख तक आवेदन कर सकते मंथ के एंड तक है, जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके बाद देखेंगे, कुछ सर्वे करवाएंगे, जो जीतने वाला होगा उसको देने बताओ कुछ नहीं ठीक है, जो तुम जितने वाला दिखा तो आपको भी देंगे, जितने वाला दिखा चाहिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।